हेलो डियर, तो ये है लेवल एडिशन का पार्ट टू। अगर आप लोगों ने पार्ट वन देख लिया है तो ये पार्ट टू कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा, अभी फर्स्ट टाइम आप पार्ट टू देखने वाले हो, तो पार्ट वन देख लीजिए, उसके बाद पार्ट टू कंटिन्यू कर सकते हैं। सो बिना देरी के और बिना बकवास किए हुए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। पॉइंट वन में आप जान लीजिए कि लेवल एडिशन को और कितने नाम से जाने जाते हैं। लेवल फ्यूजन और बहुत सारे नाम है, आपको मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ठीक ना? क्या क्या है आप जान लीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द एज डू लेवल एडिशन अकर, यानी किस एज में लेवल एडिशन होता है। सो आंसर है, लेवल फ्यूजन आमतौर पे 3 मंथ से 12 साल की बीच की लड़कियों को, मतलब इस बीच की जो लड़कियाँ होती हैं उसमें लेवल फ्यूजन का केस देखने को मिलता है। जब एस्ट्रोजन लेवल डाउन होता है तो लेविया फ्यूज कर जाता है, ठीक ना? जब प्यूबर्टी में आ जाती हैं लड़कियाँ तो वो ऑटोमेटिक जैसा मतलब अपने आप धीरे धीरे वो सेपरेट हो जाता है, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज लेवल एडिशन इन गर्ल्स, यानी लड़कियों में लेवल एडिशन का क्या कारण है, क्यों लेवल एडिशन होता है। सो आंसर है कि कम उम्र की जो लड़कियाँ होती हैं उनमें क्या होता है, एस्ट्रोजन लेवल बहुत कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों लेबिया जो होते हैं एक दूसरे से स्टक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं और बहुत मजबूती से पकड़ लेते हैं और वो यूरिनेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज लेवल एडिशन क्यूरेबल, क्या लेवल एडिशन ठीक कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल, इसका हाँ यस जवाब है। क्यों? क्योंकि प्यूबर्टी जब शुरुआत होता है तो वो धीरे धीरे एस्ट्रोजन लेवल अप होता है, मतलब डाउन से अप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो लेबिया जो होता है, जो स्टक होता है अपने से चिपका रहता है, वो धीरे धीरे सेपरेट होने लगता है बिना कोई ट्रीटमेंट सर्जरी के, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। सो अब चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और वहाँ भी कुछ देखते हैं और जानते हैं, चलिए। सो आपको बता दूं कि ये जो है 3 साल की जो है बेबी है, छोटी बच्ची है, जिससे लेबल एडिशन हो चुका है, ठीक ना, जिसका वेजाना जो है ना पूरा क्लोज हो चुका है। यहाँ पे देखिए आप, पूरा वेजाना क्लोज हो चुका है, ठीक ना। तो इससे अगर आपको छुटकारा पाना है तो आप घर में रखे होंगे नारियल तेल या वैसलीन हो सकता है, या आप परचेज कर सकते हैं, अगर चाहते हैं खरीदना तो खरीद सकते हैं। एक एस्ट्रोजन मतलब क्रीम आता है वो खरीद सकते हैं, ठीक ना। उससे आपको देखिए 3 ही हफ्ता में कैसा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं किस तरह से पूरा वेजाना किनाल खुल चुका है, ठीक ना। और आपको करना क्या होता है देखिए मैं बता देता हूँ। इसमें करना होता है सिर्फ आपको ना इस एरिया में यहाँ इसको बाहर की ओर खींचना होता है, ठीक ना, बाहर की ओर खींचना होता है हल्का हल्का, ज़्यादा मतलब जोर नहीं लगाना। धीरे धीरे यहाँ पे आप क्रीम लगाइए, ठीक। क्रीम लगाने के बाद क्या कीजिएगा, वहाँ पे हल्का हल्का दबाना होगा इसको बाहर की तरफ, दबा के बाहर की तरफ खींचिएगा बेबी का। 3 हफ्ता में ही, 2 से 3 हफ्ता में ही ये ट्रीटमेंट की वजह से आपको मतलब रिलीफ मिलेगा और लेबल एडिशन से छुटकारा, आपको कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज लेबल एडिशन इज सीरियस। तो हाँ बहुत ही सीरियस। जब ना लेबिया मैनोरा यानी कि लेबिया मेजोरा बाहर का होता है और लेबिया मैनोरा अंदर का होता है, ठीक ना, इनर लिप्स ऑफ वल्वा, ठीक ना, तो जब वो दोनों स्टक हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो वो बहुत डेंजर है, वो लास्ट स्टेज है, उसमें आपको सर्जरी कराना ही पड़ता है, ठीक ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ लेबल फ्यूजन इन एडल्ट। एडल्ट में यानी कि जो भी किशोरावस्था लड़कियाँ हैं उसमें क्या देखने को मिलता है लेबल फ्यूजन में, तो चाहे बच्चे हों या बड़े, उनमें एक ही सिम्टम दिखता है कि वो धीरे धीरे क्या होते हैं, लेबिया जो होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वो एक दूसरे से धीरे 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 चिपकने लगते हैं, ठीक ना। अगर उसे सेपरेट ना किया जाए तो आपको सर्जरी कराना पड़ेगा, ठीक ना। तो बी अवेयर, इसे आप वीडियो को जरूर दोस्तों को शेयर करें, उसे भी समझाएं, उसे भी बताएं कि अगर आपकी छोटी बेबी है, बच्ची है, तो उससे अभी सावधान हो जाए। उसको अगर है ऐसा केस हो रहा है कि उसका दोनों लेबिया जो है चिपक रहे हैं, तो उसे सेपरेट करने के लिए आप आजमाइश करें, घर नुस्खा आजमाएं, ठीक ना। सो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये पेशेंट जो आई थी इनका 4th स्टेज पहुंच चुका है, यानी कि पूरे तरीके से मतलब ना इनका क्लाइटोरिस दिख रहा है, ना वेजाइनल कैनाल दिख रहा है, पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है। तो ऐसा स्टेज आपके साथ ना हो, ना आपके बेबी के साथ हो, तो आपको मैंने बताया था कि मालिश करने का नारियल तेल से या भैसनी से, उस तरह से आपको करना है, नहीं तो आपको लास्ट में आपको सर्जरी करवाना होगा और सर्जरी में आपको 20-30 हज़ार लग जाएगा।
और ऐसा भी नहीं कि आप एक बार पेमेंट कर दिए 20-30 हज़ार फिर हमेशा के लिए आपका हो गया, फिर हो सकता है लेवल फ्यूज़न। सो बेहतर है कि लेवल फ्यूज़न से बच रहने के लिए घड़ी पे आप ट्रीटमेंट करें, मैंने बताया जैसा वैसे आप कीजिए, तो सर्जरी का आपको सहारा नहीं लेना पड़ेगा। सर्जरी में पैसा भी लगता है और परमानेंट क्योर भी नहीं है, और बच्चे को मतलब बार बार डॉक्टर के पास कंसल्ट करना पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज लेवल एडिशन सर्जरी इज पेनफुल, या लेवल जो फ्यूजन होता है उसका अगर सर्जरी होता है तो क्या वो दर्दनाक होता है? तो ऐसा कुछ नहीं है, दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब ना पेशेंट को सर्जरी के लिए ले जाया जाता है तो पहले उसे नम कर दिया जाता है उस एरिया को, यानी सुन कर दिया जाता है, और ज़्यादा छोटी बच्ची है तो उसे क्या बीओसी कर दिया जाता है, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बाद में सर्जरी टाइम, ठीक ना। तो आपको अब पता चल चुका है कि पेन नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आई नो आई हैव लेवल एडिशन, कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे लेवल एडिशन हुआ है? लड़की पूछती भी है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि लेवल एडिशन मुझे हुआ। तो इसका आंसर है कि हाँ, जब आपको होगा ना लेवल एडिशन, तो वो धीरे धीरे आपके जो आपके जेनिटल एरिया है ना, वो धीरे धीरे क्लोज होने लगेंगे आपको। आप तो जब भी आप यूरिनेशन के लिए जाओ, जब भी बाथरूम के लिए जाओ, तब नोटिस करना, देखना कि आपके जो जेनिटल एरिया है वहाँ पे धीरे धीरे ब्लॉकेज होने लगेंगे। पहले आपको पार्ट वन जाकर देख लीजिए, उसमें बताया हूँ अच्छे से किस तरह ब्लॉकेज होता है, ठीक ना। उसमें अच्छे से बताया हूँ कि ब्लॉकेज कैसे शुरू होता है, बताया हूँ। चलिए कोई नहीं, तो आपको नोटिस कीजिएगा कि जब पूरी तरह से सील हो जाएगा तो आप वाइट लाइनिंग हो जाएगा वल्वा एरिया में, एक वाइट लाइनिंग हो जाएगा, जैसे दरार पड़ता है ना उस तरह का आपको देखने मिला, तो वो लास्ट स्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ लॉन्ग द लेवल एडिशन लास्ट, यानी कितने लंबे समय तक वो लेवल एडिशन होगा। ओके, तो इसका आंसर है, जब भी आपका प्यूबर्टी शुरू हो जाए, जैसे आप 13 साल के हो गए, 15 साल के, तो आपका प्यूबर्टी शुरू हो गया और एस्ट्रोजन लेवल अप हो गया। बहुत सारे का एस्ट्रोजन लेवल डाउन ही रहता तो दिक्कत है। प्यूबर्टी में भी अगर एस्ट्रोजन लेवल डाउन है तब लेवल फ्यूजन होगा ही। अगर प्यूबर्टी आ गया, आपका एस्ट्रोजन लेवल मेंटेन हो गया, बढ़ रहा है, डाउन नहीं है, तो क्या होगा, आपका लेवल फ्यूजन ऑटोमेटिक बिना सर्जरी बिना कोई ट्रीटमेंट के ठीक हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आप प्यूबर्टी में आ गए, आपका एस्ट्रोजन लेवल ठीक हो गया, बढ़ गया, तो ओके फाइन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन लेवल एडिशन कम बैक, तो आंसर हाँ, जैसे ही एस्ट्रोजन लेवल डाउन होगा आपका लेवल एडिशन वापस आ सकता है, ठीक ना। चाहे आप सर्जरी करा लो, बहुत लोग सर्जरी कराते भी हैं क्योंकि उनको बाद में पता चलता है तो और सर्जरी करवाते हैं। तो सर्जरी कराने से ऐसा नहीं कि आप छूट गया आपका लेवल फ्यूजन हमेशा के लिए, ऐसा कुछ नहीं। डॉक्टर आपको बोलेंगे कि हाँ अब कोई दिक्कत बात नहीं है, अब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से हो सकता है एस्ट्रोजन लेवल डाउन हुआ, हो गया छुट्टी आपका। तो एस्ट्रोजन पिल्स भी आते हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आपकी मर्जी ले सकते हैं अगर आपको लगे कि हाँ एस्ट्रोजन लेवल डाउन हो रहा है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ट्रीट लेवल एडिशन, या यू कहें बेस्ट डॉक्टर ऑफ लेवल एडिशन इज व्हाट, क्या है यानी कौन है? तो आंसर है पीडिशियंस, यानी कि जो छोटे बच्चे को देख रेख करने वाले हैं ना, सर्दी जुकाम खांसी वो देखते हैं, वही मतलब इनके सर्जरी कर सकते हैं, ठीक ना। और पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं, जो मतलब यूरिनरी जो एरिया है, जेनिटल एरिया है, उसको देखते हैं, या गायनेकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, पेडियाट्रिक गायनेकोलॉजिस्ट, जो उस एरिया को ही स्पेशलिस्ट देखते हैं उसी एरिया को, तो उससे भी आप दिखा सकते हैं कि वो इस एरिया को ही बटा हुआ है, कि बच्चे का खांसी जुकाम वाला देखें। एक यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो यूरिनरी एरिया को, जो मतलब जेनिटल एरिया है उस एरिया को आप देखते हैं, तो उसे दिखाइए आप, बच्चे का डॉक्टर हैं। सो इसमें कमेंट चर्चा नहीं हुआ, तो कमेंट चर्चा अगले पार्ट में होगा, पार्ट थर्ड में, जिसमें हम बहुत सारे जो पेशेंट सवाल किए हैं उसका जवाब मैं पार्ट थर्ड में दूंगा, तो उसमें भी आप जरूर बने। पार्ट थर्ड आने वाला है जल्दी, उसमें भी बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे जो पेशेंट हैं, जो भी गार्जियंस हैं, वो बहुत सारे सवाल किए हैं, तो पार्ट थर्ड आने वाला है, तो बने रहिए और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी तो देखे कि कितना मज़ेदार वीडियो आप देख रहे हो और जानकार वाला, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।